अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे हमेशा की तरह, मेरी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो मैं हूँ रुबाब हसन आपके साथ। आज आपको जो है ईद की शॉपिंग दिखाने लगी हूँ, और थंबनेल से जो है आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा टाइटल थंबनेल से। बाकी जो है मैं स्टार्ट करती हूँ आपको ईद की शॉपिंग दिखाना। तो सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाने लगी, इतने ड्रेसेस तो आप लोगों को दिखाई दिए थे ये वाले, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, लिंक मौजूद है। ये सारे मैंने आपको ईद के लॉन ड्रेसेस आप लोगों को दिखाए थे। सो इनको अब मैं नहीं दिखाती हूँ, अब मैं जो है आपको वो चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने आपको अभी तक नहीं दिखाई। सो सुमैया का मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ। ये देखें, ये वाइट कलर का इसका है फ्रॉक, और इसके साथ जो है जीन्स है। ये रही इसकी प्यारी सी जीन्स, ये देखें सुमैया का एक ड्रेस ये है। इसको हम रखते हैं साइड में, ये आप लोगों ने देख लिया है, ये वाइट है। वाइट जो है बच्चे जल्दी गंदे कर लेते हैं, लेकिन फिर भी यार अब लेने तो है ना, पसंद है क्या करें। और उसके बाद सुमैया का एक ड्रेस ये भी है, आप लोगों को मैं दिखा दूँ। ये देखें, ये अम्मी की पसंद है मेरी। मूसा ने ढोल बजाना स्टार्ट कर दिया है। और ये देखें, ये इसका पजामा है और वो फ्लावर बना हुआ है। एक ये ड्रेस है सुमैया का, ठीक। और अब मैं आपको थर्ड ड्रेस दिखाती हूँ सुमैया का। मूसा आटो बेटा, शॉपर में से निकल जाए। अच्छा, जब ये मैंने लिया ना तो मुझे ये नहीं पता था कि ये बाज़ार में इतना इन हो रहा है। अगर मुझे पता होता कि ये बाज़ार में इतना इन हो रहा है कि हर शॉप पर ये मुझे नज़र आएगा बाद में, तो मैं ना लेती। लेकिन फिर भी ये मेरी बेटी पर तो बड़ा प्यारा लगेगा। और मैंने उसको चेक भी किया था पहना कर, माशाल्लाह वो बहुत हसीन लग रही थी इसमें सुमैया। सो एक ड्रेस ये है, लोग मुझे देख कर कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। ये लॉन्ग फ्रॉक है। अब मैं बाकी आपको आपको जो है मूसा की शॉपिंग दिखाती हूँ। इसके बाद अब बारी है मूसा की। मूसा की ये देखें, ये है शर्ट, और शर्ट के साथ जो है शॉर्ट है ब्लैक कलर की। और इसकी शर्ट मैं आपको दिखाऊँ सीधी करके, ये देखें ये इसकी शर्ट है, ये इसके बाबा की पसंद है। ये देखें इसकी शॉर्ट है, ठीक है। मूसा ये आपका ड्रेस है, अभी तो आप बहुत बुरी हालत में बैठे हो। और अब मैं आपको यहाँ से ये वाले कपड़े दिखाती हूँ। ये जो है मेरी पसंद है, ये बस जो मैंने शॉर्ट अलग लिए हैं। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि कौन सी शॉर्ट जो है किस टी शर्ट पर पहनानी है। एक ये शॉर्ट है, मैचिंग में बाद में कर लूँगी, जो जिस पर सूट करेगी मैं वही पहना लूँगी। और टी शर्ट्स मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये वाइट टी शर्ट है। चलो, जिस दिन सुमैया को मैं वाइट पहनाऊँगी ना, उसी दिन मैं मूसा को सोच रही हूँ कि वाइट पहना दूँगी। फ्लैश ऑन कर लिया है, अब आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा होगा। एक ये शर्ट है वाइट वाली, और एक ये है, है कहाँ फंस गए, ये आपस में उलझ गए। मूसा ये अभी मैं दिखाऊंगी ना, ये उलझ गए आपस में। एक ये रेड शर्ट है, ये भी बड़ी प्यारी लग रही है। और एक जो है ये शर्ट है, टी शर्ट है, ठीक है। और इस एक ये पैंट है, ये देखें आप। और एक जो है ये पैंट है ये चप्पल है मूसा कह रहा है। मूसा की जो ये मैंने स्लीपर लिए हैं, ये देखें कितनी क्यूट सी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही थी। ये एक्स्ट्रा लिए हैं मैंने, इसकी ज़रूरत तो नहीं थी क्योंकि ईद की शॉपिंग कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने इसके बाबा से कहा मुझे बड़ी प्यारी लग रही है तो ये मुझे दिलवाएं मूसा के लिए। और उसके बाद जो है मैं आपको दिखाऊँ कुछ अपनी मुख्तसर सी पिने, क्योंकि इतनी मैंने जमा की हुई है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये चीज़ अच्छी लगी तो मैंने ले ली थी। एक ये मैंने ली है इसकी जो है, और एक येलो कलर का मेरा ड्रेस है जो मैंने आपको दिखाया था, ये इस पर ये मैं लगाऊंगी इंशाल्लाह। वो देखो निकल के ला रहा है। और ये ग्लासेस वाली एक ये पिन मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी, एक ये मैंने ली है। और ये मूसा देखें अपने बॉक्स में से जो है निकाल कर लेके आ गया अपनी ईद की सैंडल। ये इसने ब्लैक कलर की सैंडल हमने इसके लिए पसंद की है। और मूसा बाकी दिखाओ, और मैं आपको दिखाऊँ कि ये जो है, ये क्यों दिखा रहे हो, ये भी दिखाऊं क्या, ये इसमें से पेपर निकला है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या है, ये चीज़ है भाई मेरा कोट है, ये मुझे पसंद आया था तो मैंने ये कोट मंगवाया है। आपको मैं दिखाती हूँ अभी मैं दिखाती हूँ। अच्छा चले, पहले सुमैया की सैंडल दिखा दूँ मैं। सुमैया के शूज़ लिए हैं ये ईद के लिए, ये वाले, ये बड़े प्यारे लग रहे हैं। अब जो है मम्मा की दिखाओ, ये इसमें ही रख दो, ये सुमैया के लिए लिए हैं।
और ये जो है ये है मेरा स्टॉलर, ये देखें एक ये है और एक ये मैंने सिंपल एक ये स्टॉलर मैंने लिया है। और इसके बाबा के लिए ये स्लीपर में पीछे लग गई थी, मैंने कहा लो भाई अपनी आने जाने में अच्छी लगती है, पाँव में अच्छा पहना हुआ तो। और ये मैंने ज़िद करके मैंने इनके बाबा से फरमाइश की तो उन्होंने ले ली। और अब मेरी दिखाओ, मैं आपको अपना ये कोट दिखा दूँ, ये रह गया कि ये किस तरह का है, चले मैं दिखाती हूँ एक मिनट। ये जो है मेरा प्रिंटेड कोट है और इस तरह आपको पता नहीं चल रहा होगा, ये पहनकर बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये इसका कॉलर बना हुआ है और इसमें जो है पॉकेट्स भी हैं आई थिंक, हाँ ये रहे ठीक है। और ये इसका बेल्ट है। और यहाँ जो है मूसा के लिए लिया है हमने ये ईद का कुर्ता, क्योंकि पहली ईद पर बच्चे बॉयज़ जो होते हैं वो कुर्ता शलवार पहनते भी अच्छे लगते हैं। ये देखें ये कुर्ता है मूसा का जो हमने लिया है और ये इसका इसकी शलवार है ठीक है। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वाला मैंने ड्रेस किसके लिए लिया है, बहुत चुन्नू मुन्ना सा क्यूट सा है, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, मुझे देखते ही पसंद आ गया था। सो ये मैंने लिया है अपने भाई की छोटी सी क्यूटी सी बेटी के लिए जो कि अभी अभी हुई है, मेरे ख्याल में एक महीने की भी नहीं हुई, तो ये मैंने उसके लिए लिया है। ये सुमैया का पर्स जो है ना, ये इसके ड्रेस के साथ का पर्स है, ये गिर गया था नीचे, मुझे पता ही नहीं चला, आपको दिखाया नहीं। और ये मेरी सैंडल है, मुझसे दिखाओ, ये देखें, यकीनन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो ये थी मेरी ईद की शॉपिंग, आप लोगों ने बताना है कि कैसा लगा और आपको मेरी शॉपिंग में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ अच्छी लगी, किसने आपको अट्रैक्ट किया। मूसा अल्लाह हाफिज़ कर दूँ, हाँ। सो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में भी लूँगी और एडवांस ईद मुबारक, मुझे दें इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।